સાથે ત્રણે રાજ્યો કોંગ્રેસે કાંટાની ટક્કર આપી છે અને શક્યતા છે કે ત્રણેય રાજ્ય ભાજપના હાથમાંથી શક્યા છે ચૂંટણીના પરિણામો આવતાની સાથે જ કોંગ્રેસી કાર્યકરોમાં માહોલ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજસ્થાનમાં ત્રણ પૈકી બે બેઠક પર ભાજપનો વિજય થયો છે જ્યારે એક બેઠક પર કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે પરબતસર વિધાનસભાની બેઠકની નિવાસ ગાવરિયાનો વિજય થયો હતો ભીંડવાડા આબુ બેઠકની ભાજપના સમા રામ વિજય થયો અને સાપુર બેઠકની ભાજપના કૈલાસચંદ્ર મેઘાવલાનો વિજય થયો હતો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વસુંધરા સાથે રાજી ઝાલ પાટણ બેઠક પરથી જીતી ગયા છે તો કોંગ્રેસનો ચહેરો રહેલા અશોક ગોહલત અને સચિન પાયલટનો પણ વિજય થયો છે ગહલત સરદારપુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા જ્યારે સચિન પાયલટ ટોક બેઠક પરથી નસીબ અજમાવી રહ્યા હતા આ ઉપરાંત મિઝોરમમાં પણ એમ એ નવ કોંગ્રેસ એક અને અપેક્ષાઓ પણ બે પર જીત મેળવી છે છત્તીસગઢમાં અગિયાર વર્ષ પછી કોંગ્રેસ સત્તામાં પરત ફરી છે રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પરિણામમાં કોંગ્રેસને બે ત્રણ બહુમત મળતી જોવા મળી છે આ સંજોગોમાં હવે રાજ્યમાં કોઈ મુખ્યમંત્રી બનશે તે વિશેની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ તેમજ રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ જીત મેળવી લીધા પછી હવે તેમની સામે એક નવી મુશ્કેલી આવવાની છે અને તે એ છે કે હવે રાજસ્થાનમાં સીએમ કોણ બનશે આ સવાલ વિશે ખુલીને વાત વાત કરવા તૈયાર નથી કે એક નક્કી છે રાજસ્થાનમાં સચિન પાયલટ અને અશોક ગોહલત મુખ્યમંત્રી પદના મુખ્ય દાવેદાર છે પરંતુ બંનેમાંથી પણ કોઈ પણ એકની પસંદગી કરવી મુશ્કેલ છે રાજસ્થાનમાં કુલ એકસો નવ્વાણું સીટ ઉપર ચૂંટણી થઈને તેમાં બહુમત માટે સો સીટ જરૂરી છે કોંગ્રેસ આ આંકડો મેળવી લીધો છે

કહ્યું હતું કે મને ચૂંટણી પરિણામ પર શક છે ઉત્તમ કુમારે ઈવીએમ મશીનોથી સાથે છેડતીનો આરોપ લગાવ્યો છે તેમણે કહ્યું કે વીવીપેટની ચિઠી ચિઠ્ઠીના ગણતરી કરવી જોઈએ ઉત્તમ કુમારે કહ્યું કે તમામ કોંગ્રેસની નીચા ચુટણી પંચને આ બાબતે ફરિયાદ કરાશે તેમણે કહ્યું કે અમને ઈવીએમ પર શક છે ચૂંટણીમાં ગોટાળો થઈ રહ્યો છે કોંગ્રેસ ચૂંટણી પંચને અપીલ કરી છે કે 100% વીપેટ મશીનની ચિડ્ડીઓની ફરીથી ગણતરી કરવામાં આવે જેની ગણતરી કર્યા બાદ જ ચૂંટણીની અંતિમ રિઝલ્ટની ઘોષણા કરવામાં આવે કોંગ્રેસ અપીલ કરી છે કે આ મામલામાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા પગલે ઉઠાવવામાં આવે જેનાથી લોકતંત્રને બચાવી શકાય उल्लेखनीय मुजब तेलंगाना ने एक सौ सीट में थी टीआरएस न खाता पंचासी सीट आ रही है जय्रेस मात्र तेईस सीटाई मा जाए तो इससे बड़ा वोट अगेंस्ट बीजेपी कहाँ देखा है मुझे लगता है नहीं कि देश में कहीं पर भी इतना ज्यादा नेगेटिव वोट बीजेपी के खिलाफ कहीं पड़ा है और लोगों ने सिर्फ भाजपा को नेगेटिव वोट नहीं दिया है लोगों ने कांग्रेस की सोच को कांग्रेस की आइडियोलॉजी को राहुल गांधी जी के रोड मैप को और राजस्थान के लिए हमारे क्या अगले पांच साल का मैनिफेस्टो है उसको पसंद किया है दैट इज वाय वी आर फॉर्मिंग अ क्लियर गवर्नमेंट हैविंग सेड दैट वी आर इन टच विद ऑल लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज हु वॉन्ट टू अपोज द बीजेपी एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल एंड आई एम श्योर बट टू नाइ द पिक्चर बिकम वेरी क्लियर आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ दोजल लाइक आई सेट वी विल फॉर्म अ कांग्रेस गवर्नमेंट वी विल गेट मेजोरिटी ओन बट डिस्पाइट गेटिंग मेजोरिटी आई एम ऑफ दिनियन दट एनी बीजेपी अब एनडीए के जो घटक दल छोड़ चले गए हैं टी डी पी है शिवसेना है कुशवाजी है तो ये बीजेपी से मोवंग हो चुका है पीपल हेव रियलाइज द फ्यूचर इज नॉट द बीजेपी एंड दीज थ्री इलेक्शन गोइंग स्टेट रिजल्ट विल सर्टिफाई दैट सेंटिमेंट दैट पीपल है कांग्रेस पार्टी इज ऑन ए विनिंग ट्रोजेक्टरी सब कुछ यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो कुछ कोई चीज याने पैमाने तो पर कैंडिडेट खड़े किए सब उपाय किए लेकिन जनता जो है वो मैं तीनों सूबों में गया था इनको हराने के लिए उतारू थी, थी बीजेपी बोल रही कि इंतजार कीजिए समय हमारा होगा इंतजार तो चार साल देश ने किया उनका एक वादा उनने पूरा नहीं किया है किसान के बारे में नौजवान के बारे में गंगा साफ करने के बारे में बिहार को स्पेशल पैकेज के बारे में कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया वो वो इंतजार जो है वो उन्नीस का और कर लें इंतज़ार उनका जो है वो इंतजार ही रहेगा और बड़े पैमाने पर जो एक गोलबंदी अपोजिशन की है, इनको हराने का काम कर रहे हैं लोग सोचेंगे कि शायद मोदी जी के भाषण और उनका जो जो शब्द हैं लोग उस पर पूरा भरोसा करके उनको आगे आगे सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन अभी क्लियर हो गया कि जिस तरह की जुमलेबाजी हमारे देश में देखे हैं लोग ये समझ लिए कि इसमें असलियत नहीं है और अब तो लग रहा है कि तीन प्रदेश में बीजेपी का हार अभी काफ़ी क्लियर हो रहा है तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि बदलाव का समय आया है और इस बदलाव से कांग्रेस पार्टी के जो पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं देश के लिए हमें लोगों को सामने दिखाने का मौका मिला ये तीन प्रदेश अगर रिजल्ट कन्फर्म्ड हो गए और हम जीत गए तीनों में तो ये एक संदेश है अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए कि देखिए आप जो पहले इन प्रदेशों में मेरे ख्याल में आ, करीब सत्तर सीट के बैंसठ बे, बेस, त्या, तैंसठ सीट बीजेपी के थे आप ऐसे रिजल्ट आ गए तो कल उनकी मेजॉरिटी इन्हीं थ्री सीट तीन सीट में जाने वाले हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो मुझे खुद को पता था कि ये वहाँ हम लॉस होने वाले पर मध्य प्रदेश में जो लॉस हुआ है वो बीजेपी को चिंताजनक बाब बाप जैसा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की छवि भी अच्छी थी नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह संघ परिवार भी वहाँ स्ट्रांग है बीजेपी भी वहाँ स्ट्रांग है फिर भी मध्य प्रदेश में ये जो कांटे की टक्कर चल रही है उस हिसाब से हमें भारतीय जनता पक्ष को ये धोखे की घंटी नज़र आ रही है इसमें हमें काफ़ी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट थी मोदी के मोदी ने जो उठाई थी मोदी ने जो मुद्दा उठाया था कि डेवलपमेंट का मुद्दा दो हज़ार चौदह में वो शायद भारतीय जनता पक्ष भूल गई है इसलिए तीन राज्यों में इस तरीके से नतीजे आए हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे फर्स्ट ये है कि हम जो कास्ट फैक्टर पे जाते हैं राम मंदिर बनाएंगे स्टैचू बनाएंगे या नामकरण करेंगे या परसों भी जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हनुमान की जात ओ बी सी थी ये हम लोग डेवलपमेंट से भटक गए ऐसा लग रहा है मुझे और मोदी जी जो है वो डेवलपमेंट पे अगर पक्का हो जाते चौदह के जैसे दो हज़ार उन्नीस में भी तो हमें शायद दिक्कत कम होगी नहीं कहीं राहुल की भी पॉपुलरिटी बढ़ा दें नहीं ठीक है अगर वो राहुल गांधी जी विपक्ष की ओर से दूल्हा बन करके आते हैं तो इस देश की जनता का फैसला मुझे तो लगता है कि एडवांस में ही निर्णित है वह क्या चाहती है किस प्रकार का देश में प्रधानमंत्री चाहती है वो बताने की आवश्यकता नहीं है नो डाउट कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है 2013 के चुनाव की तुलना में लेकिन इतनी भी बढ़त उनको नहीं मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी इतनी भी पीछे नहीं चली गई है कि जिसमें वह कोई इस प्रकार का विषय निकाल करके लाएँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है यद्यपि वो चुनाव राज्य के काम के आधार पर होते हैं जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब देश के आधार पर होंगे और देश के आधार पर जब चुनाव होंगे तो उसकी स्थितियाँ उसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं जो राज्य के चुनाव की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ अलग होती हैं इसमें हम थोड़ा पीछे हैं लेकिन दो अठारह में जितना पीछे हैं उससे बहुत ज्यादा दो हजार उन्नीस में आगे रहेंगे राहुल गांधी जी का कद पद बढ़ा है कद बढ़ा है ऐसा अगर आप मानते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेसियों के लिए खुश होने का थोड़ा बहुत समय हो सकता है कि पिछली पिछले चुनाव की तुलना में नंबर उनके बढ़े मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह बीएसपी को ठीक ठाक सीटें मिली मतलब वो की पोजीशन में यूपी की पार्टी है क्या बीएसपी को लेकर के बीजेपी अब कोई नई रणनीति बनाएगी या उससे गठबंधन दोस्ती का कोई प्रयास करेगी देखिए अभी हम अंतिम परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तो संसदीय दल की बैठक होगी और बैठक के उपरांत जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय नेतृत्व तो करेगा जहां जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे लेकिन अभी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मेरे समझ से जल्दी जी, जी, जीती हैं उनको बधाई लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ क्या चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है क्या चाहिए मोदी सरकार गुण गुण के खिलाफ लोगों का गुण 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 नहीं, नहीं नहीं कर कर नहीं, कर यह यह राज्य राज सरकारों के परफॉर्मेंस पर नहीं बातचीत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह राजनाथ जी जो रुझान आए हैं आपको लगता है की वो बीजेपी के स्थिति के अनुकूल नहीं है बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विधायकों को विजय प्राप्त हुई है जिन राजनीतिक पार्टियों को विजय प्राप्त हुई है सबको बधाई लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन तरफ तरह ब्यूरो रिपोर्ट एनएस गुजरात न्यूज हाँ बस न्यूज नमस्कार